अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द वर्ल्ड। तो यार आज डेट है 16 मई और रोज़ा है 23वां। तो यार आज हमने एक ग्रैंड अफ्तारी दी है हमने और अबू बकर वालों ने मिलके। तो अभी हम बस उसी के लिए जा रहे हैं ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। तो मेरे साथ हैं, ये देखो यार, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ अबू बकर है, फसी है और ये साइड पे जैन है। तो अभी हम करने जा रहे हैं ग्रॉसरी। तो आज शाम को इफ्तारी है, तो फिर आप लोग भी आए ना? हाँ, आप लोगों को भी इनवाइट किया है। और क्या नाम है, दिखाएंगे आपको दरमियान में कुछ क्लिप्स, कुछ सीन भी दिखाएंगे इफ्तारी बनाते हुए, और फिर आपको इफ्तारी भी मिलते हैं। यार हम आए हैं मंडी, जैसे पाकिस्तान में मंडी होती है इधर भी ऐसे ये मंडी है, वैसे ही सारा कुछ इधर बिकता है थोक के हिसाब से। ये भी मिल रहा है बकरा, ये बिल्कुल वैसे सारा पीसों वाली शॉप, हर चीज़ 50 सौ। तो यार हम सारा काम ग्रोसरी वगैरह कर लिया, हल्का काम हो गया, भारी काम रहता है बनाना। दोनों मुझे मंजूर है, मुझे तो ये पैसों का जरा हिसाब हो रहा है। हाँ बकर, बनाने में अभी बताओ कैसा बनाओगे, तो हल्का काम तो हो गया। हाँ तो जबरदस्त, अभी जाग करेंगे ना, अभी मजदूरी भी लगने लगे हैं। मजदूरी क्लासों के बाद या पहले? पहले कब संडी लगवा ली है, एक और लगी तो भी लगवा। बकर भाई जनाब ऑनलाइन क्लास बाजार में अटेंड कर रहे थे कि मैम को पता चल गया कि बाजार में है भाई, एब्सेंट लग गई। तो अभी हम फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, फिर क्लासेस वगैरह लेके फिर काम स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं इफ्तारी में। तो यार इफ्तारी सीन ऑन है, ये इधर प्याज और ब्राउन, इधर खीर बन रही है, इधर ये फ्रूट चाट बन रहा है, और इधर ये मुझे मार रहा है। तो बाकी चलते हैं वो बकर के फ्लैट पे, वो दिखाता हूँ वो क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, गाजी के फ्लैट के बाद इधर हमारे फ्लैट की सारी सीन ऑन है, ये फुल तैयारियाँ जा रही हैं। हमारे जिम्मे था पकौड़े बनाने, पकौड़े हमने बनाने थे चाइनीज राइस थे, और बाकी काजी को भी चीज़ें बना रहे हैं। तो ये देखा हमने चावलों का दाम कैसे दिया हो। तो यार सब चीज़ें तैयार हो गई हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या तैयार हो गया। चिकन यार, ये खीर बनाई है ठीक है, और ये फ्रूट चाट बनाया है। यार ये बकर के प्लेट पे, ये बकर को चेक करो, हलवाई ब्रो, ये देखो देसी तरीके का चावल ऊपर चाप जला हुआ है तेरी रे, ताकि धोना ना पड़े। तो यार ये ना पकोड़े बन रहे हैं, और पहले कमरे में मेहमान आ गए हैं, अब चलते हैं मेहमानों से बात शात करते हैं फिर। यार अस्सलाम वालेकुम यार सबको। यार क्या हाल है सबका? यार हम भी ठीक ठाक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार सबके आने का। कोई मिस तो नहीं है यार?
ऑफिस तो है नहीं इधर। अच्छा कौन है? सारे सारे हैं चाहिए आपको? ठीक है इसको यार, ये शाहरुख खान को भी लाओ। शाहरुख खान, शाहरुख खान इधर आए। शाहरुख खान जिंदा सारे तो उठ मिले हो गए किन्ने ने टट्टी कर दी इसने यार। बोल यार, सारा सीन टट्टी कर दिया। नहीं बोल, एडिट कर। क्या क्या ब्लॉग में होगा? दोनों के फक ऑफ। प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब द चैनल। सर जी ये देखें सर, रात के 3 बज गए हैं और अभी तक इन हमारे मेहमानों की भूख खत्म नहीं। बस चुप थी यार, खाना इतना टेस्टी बना ब्रो, क्या कर रहे यार? यार ये देखो इन मेहमानों की खिदमत करके हाल बेहाल हुए पड़े हैं। और ये न्यू आए हैं हमारे ब्लॉग में, ये हैं मोहम्मद ज़िया और ये मलक सलमान, ये दोनों ग्रुप 15 के ही हैं। यार आप अपने बारे में। फ्रेंड्स एंड फैंस, माय नेम इज, मुझे नहीं पता, डबल सवारी पे पाबंदी लगी हुई है। बहुत ही अखीर चिकन बनाया, बहुत अच्छी थी। फ्रूट चाट बनाया, दही भले बनाए विकास भाई ने, उसके साथ शरबत था स्ट्रॉबेरी का और खजूर भी थी ना, खजूर भी थी, सेब भी थे और वो चेरी थी, चेरी भी बहुत अच्छी थी। तो बकर भाई थैंक यू फॉर द अफ्तारी, टाफियां बहुत अच्छी थी, लोग जेब में भर भर के लेके गए। पता आपको मौका नहीं मिला जेब में भरने का यार। इधर का ट्रेंड है यार, जो भी जहाँ भी हम अफ्तारी पे जाए तो टाफियां रखते हैं। हमने कहा यार हम इधर का ट्रेंड अपनाया और टाफियां इनको हमने दी है। पूछिए टाफियां इन्होंने दी और इतने बड़े बड़े चॉकलेट थे। अच्छा किया बस अच्छा, मतलब जितने लोग थे मतलब एक्सपेक्ट नहीं था उससे, उनको सबको इन्होंने हैंडल कर लिया और माशाल्लाह खाने में बहुत बरकत थी और सब में पूरा हो गया यार। भाई मैंने एक चम्मच दही भले का लिया था, झूठ नहीं बोलूंगा। खीर बहुत मुझे अच्छी लगी थी, खीर मैंने बहुत खाई थी और इसके अलावा मैंने फ्रूट क्या हर चीज अच्छी थी यार, हर चीज बहुत चीज अच्छी ठीक है। दही भले खाए नहीं यार, बहुत मजा आया माशाल्लाह, बहुत अच्छी इफ्तारी थी, बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। और हम अब्दुल्ला भाई को भी थैंक्स करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा चिकन बनाया कि हम बाद में भी खा रहे हैं। हाँ तो यार टाइम हो गया है, रात के 2 बज गए और सारे मेहमान अभी गए हैं घर अपने फ्लैट पे। तो मैं अभी अपने फ्लैट पे जा रहा हूँ। अब बकर वालों को फ्लैट में सारा अरेंज किया था क्योंकि हमारे फ्लैट पे एक तो जो 4th फ्लोर पे है, दूसरा हमारे फ्लैट पे जगह भी कम थी, 4 बेड है ना, तो इस वजह से इनके फ्लैट पे अरेंज किया था। सारा इंतज़ाम ठीक हो गया और सारा कुछ अच्छा इंतज़ाम हो गया था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए।